तो गाइस फाइनली BGMI ऑफिशियली अनबैन हो चुका है और 2.5 का अपडेट भी आ चुका है गूगल प्ले स्टोर पे। तो आई होप कि आप सबने डाउनलोड कर लिया होगा, लेकिन क्या फायदा, खेल तो नहीं सकते ना। तो कोई बात नहीं, अगर जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं किया है या फिर जिनको अपडेट शो नहीं हो रहा है, तो कल सबके लिए गेम अवेलेबल हो जाएगा, आप डाउनलोड करके प्ले कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डायनो ग्राउंड में जाके डायनासोर की सवारी करोगे, तो शायद आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि इस अपडेट में डायनासोर मोड नहीं आएगा। तो जब गेम लॉन्च हो रहा है कल, तो उसके बारे में बात करते हैं कि ये अपने साथ क्या क्या लेके आएगा, लाइक 2.5 का अपडेट आएगा या 2.6 आएगा, इवेंट्स एंड रिवॉर्ड्स, न्यू मैप, न्यू साइकिल सीजन, न्यू एक्सोड, ब्रेक टाइम रिमाइंडर्स एंड प्ले टाइम लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी चीज, डायनो ग्राउंड आएगा या फिर स्पाइडरमैन मोड, इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, वीडियो को लाइक कर दो और अपने स्क्वाड के साथ में शेयर कर दो, और कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, डायनो ग्राउंड के लिए या फिर स्पाइडरमैन के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम प्ले लिमिट्स की। बंदे 8-8 घंटे 10-10 घंटे खेल रहे हैं, उनको कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है कि नहीं, जबकि गेम स्टार्ट होता है उससे पहले ही एक पॉपअप आता है और उसमें एक महिला आके बोलती भी है बावजूद उसके। तो खैर, इसमें उन्होंने क्या कर रखा है कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 18 साल से अगर कम है तो एक दिन में 3 घंटे से ज़्यादा वो नहीं खेल सकते, जो 18 साल से कम है। और ब्रेक टाइम रिमाइंडर में क्या है कि अगर आप गेम खेल रहे हो कंटिन्यूअस, इसमें तो उन्होंने मेंशन नहीं करा है कि कितने टाइम तक आप लगातार खेल सकते हो नहीं, अगर आप 18+ हो तो, बट उन्होंने ये बोल रखा है मतलब कि अगर आप कंटिन्यूअस गेम खेल रहे हो तो उसमें आपको एक रिमाइंडर मिल सकता है कि अभी बहुत हो गया तुम्हारा, चलो निकलो, मतलब इस टाइप का। उसके लिए वो रिमाइंडर भेजेंगे और मे भी हो सकता है कि गेम उस टाइम पे बंद हो सकता है। खैर, ये जो कुछ भी होगा, पैच नोट आएगा उसी टाइम पे क्लियर होएगा या फिर कल गेम आएगा तो उसके साथ में ही अपने को देखने को मिल सकता है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं कि नया मैप कौन आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि नूसा मैप आ रहा है। नूसा मैप अगर आपने पबजी मोबाइल खेला है या फिर देखा, तो उसमें आपको पता है कि 2.2 के साथ में नूसा मैप को इंक्लूड कर दिया गया था पबजी में। लेकिन उस टाइम पे तो हमारा BGMI बैन हो गया था, तो इसलिए नूसा नहीं देखने को मिला, बट इसके साथ में आपको नूसा मैप देखने को मिल जाएगा। नूसा मैप बहुत छोटा मैप है और भाई गजब इंटेंस फाइट होती है। तो अब बात करते हैं इवेंट्स एंड रिवॉर्ड्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 कैरेक्टर हैं और ये 4 आउटफिट है। तो ये बेसिकली लॉगिन इवेंट है और इसमें आपको ये 4 आउटफिट परमानेंट फ्री में मिलेंगे। ये कैसा लग रहा है, कैसा नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताना, बट मेरे को लगता है कि पिछले वाले से तो अच्छा है, क्योंकि पिछली बार जब BGMI लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे हमें एक ही, सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ी कपड़े मिले थे, इसमें तो खैर 4-4 जोड़ी मिल रहे तो बढ़िया ही है। तो अब बात करते हैं एक्सूट कौन सा देखने को मिलेगा। तो अभी पबजी में जो एक्सूट आया था रिसेंटली, स्टीजियन लीग एक्सूट, वही आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ स्क्रीन पे, इन्होंने क्लियर कर रखा है इस चीज़ को। और ये एक्सूट इतना कुछ खास नहीं मेरे को लगा, बट ठीक है, इतने दिन तक गेम बैन रहा तो यार अपने को तो बस अनबैन होने की एक खुशी है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये एक्सूट और क्या आप इसको ओपन करने वाले हो या जो सिल्वर कॉइन से ही अपना लक आजमाने वाले हो, कमेंट करके जरूर बताना। और इसके साथ में आपको नया साइकिल सीजन देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इसके पहले तो हम अभी तक एक ही सीजन पे अटके हुए थे 10 महीने से, तो अभी तक चेंज नहीं हुआ था हमारा साइकिल और सीजन। तो इस बारी हमें नया साइकिल सीजन देखने को मिलेगा, साथ में उसके नए नए रिवॉर्ड्स भी। फाइनली बात करते हैं हम कि क्या इसमें डायनो ग्राउंड आएगा या स्पाइडरमैन। देखो, ये मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये तुम देखो, खुद ही देखो कि ये जो फोटो है, अगर हम इसको जूम करते हैं तो यहाँ पे, जबकि ये ट्रेलर के बाद में ही है, अगर आप देखोगे तो ये अपडेट हुई है, और इसको जब आप जूम करके देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो क्या लिखा हुआ, स्पाइडरमैन। तो अब इसका क्या मतलब समझते हो आप, लाइक अब इतनी ऐसी मिस्टेक तो ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अभी अपडेट करा है इन लोगों ने इस चीज़ को, तो ये एक तरह से हिंट ही हो सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे ये फ़ोटो कब की है, तो मैं आपको दिखाता हूँ,
ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है 27 जनवरी की फोटो है 2022 की, तब का ये स्क्रीनशॉट लिया गया है और अभी डाला गया है। तो इसको हिंट ही समझो कि स्पाइडरमैन आ सकता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताता हूँ आपको कि स्पाइडरमैन 2 जो गेम है उसका ट्रेलर अभी 10-15 दिन पहले लॉन्च हुआ था, आप जाके मार्वल स्टूडियो के उस पे देख सकते हो। तो हो सकता है कि इनका कोलैबोरेशन फिर से हुआ हो, क्योंकि पिछली बार जब स्पाइडरमैन मूवी आई थी तो उसके साथ में उन्होंने कोलैब किया था, तो अभी तो गेम आ रहा है, तो क्या पता इसके साथ में इन लोगों ने कोलैब किया हो। अब कल गेम आएगा तो ही पता चल पाएगा। और मैं सही बताऊं तो मेरे को स्पाइडरमैन मोड ज़्यादा सही लगा, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।